सेहत है तो सब कुछ है। जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं इस रिसर्च के माध्यम से लोगों के राहत पाने की कहानी उनकी जबानी। मेरा नाम मोहम्मद असीम रायने है, अस्मिरा हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। 2004 में मेरा एक बच्चा था जो थोड़ा बीमार हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत घुमाया। बाद में मुझे किसी ने बताया आप जाके मुनीर खान जी से मिलिए। उस जमाने में मैं साइंटिस्ट मुनीर खान जी से मैं मिलने आया और उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया और एक खुराक में ही हमारा बच्चा आराम हुआ। दो तीन खुराक के बाद तो हमारा बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया, कोई भी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद से मैंने कम से कम 1200-1300 लोगों को मैंने भेजा और उसमें सारे के सारे लोग ठीक हुए और सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदा का जिसने मुनीर खान जी को पैदा किया और आज के वक्त में ऐसे महान व्यक्ति को अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं चाहता हूं कि मुनीर खान साहब की अल्लाह ताला भगवान उनकी लंबी उम्र दे, लंबी आयु दे, ताकि हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा साइंटिस्ट है जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए उनकी दवाएं उनका कारगर है और उनकी दवाई से सारे बीमार। मैं तो देखा हूं, मैंने कम से कम 100 ऐसे लोगों को भेजा हूं जिसका 90% ब्लॉकेज था और वो दो तीन खुराक में ही वो आदमी चलने लग गया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। एक पेशेंट तो ऐसा था उसको 99% ब्लॉकेज बोला था और डॉक्टर ने बोला था कि एक हफ्ते में अगर आप नहीं कराओगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। वो आदमी 4 खुराक में वो गाड़ी चला के हमारे ऑफिस में आया, मुझे बोलने लग गया कि सर मैं मुनीर खान जी के दवाई से ठीक हो गया। तो मैं तो ऐसे महान व्यक्ति को मैं नतमस्तक हूँ, उनकी मैं आदर करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र दे, उनको और आगे बच अच्छा रखे और उनका इस समाज में और एक जो बोलते हैं कि जो इतनी इज्जत दे कि लोग देखते रहें। मेरी ये दुआएँ हैं कि मुनीर खान जी बहुत आगे जाएँ। हमारे पास जो लोग आए, मैं 80% से 75% से 80% जिसको बाईपास यानी जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था, उससे 75-80% लोग आए और सारे के सारे ठीक हो गए। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं था कि जिसको शिकायत हुआ कि ठीक नहीं हुआ। जिसका ब्लॉकेज 80% से लेकर 90% तक था, सारे लोग ठीक हो गए। कुछ पैरालिटिक था और एक हमारे यहाँ सर्वेंट था जिसका बच्चा 11 साल से चल नहीं पा रहा था और वो बेड पे था, वो 2 बॉटल के अंदर वो चलने लग गया। चांदीवली में बच्चा रहता है जिसकी माँ हमारे यहाँ तकरीबन 20 साल से काम करती थी, वो बच्चा जो 11 साल से बेड पे था वो चलने लग गया। मेरा नाम सुरैया है और मैं कुवैत में रहती हूँ और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था 5-6 साल से और जब से मैं कुवैत गई हूँ तब से मुझे यही प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने इलाज भी करवाया कुवैत में, जैसे कि 3-4 हॉस्पिटल में मैंने बहुत इलाज किया है, लेकिन कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कि थोड़े 2-4 दिन फ़र्क पड़ता था, फिर से वही प्रॉब्लम चालू होता था मेरा। और इन 6 सालों में मुझे इतनी तकलीफ होती थी और जैसे कि मैं जैसे बाहर जाके जैसे आती थी तो मुझे इतना सफोकेशन होता था कि मेरे को सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम होता था, मतलब जैसे कि। तो फिर मैं वो नेबुलाइज़र, घर में रहता था तो मैं नेबुलाइज़र लेती थी और
इंजेक्शन्स रहते थे तो इंजेक्शन वो नेबुलाइजर में डाल के फिर मैं लेती थी। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती थी और मुझे मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और ऐसे ही मैं एक दिन टीवी देख रही थी तो वहाँ पर मैंने साइंटिस्ट मुनीर खान जी का इंटरव्यू देखा था। तो उसमें ऐसे ऐसे इंटरव्यूज मैंने देखे कि जिनकी लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो गई है। तो और बहुत सारे पेशेंट जो अपने अपनी जो प्रॉब्लम्स जो बताए और उन्होंने उनके सॉल्व भी हो गए। तो मैं वैसे ही कुवैत से इंडिया आई रिपोर्ट्स लेकर और उनके जो टीम्स ऑफ डॉक्टर ने कहा कि बॉडी रिवाइवल हो। तो फिर मैंने डॉक्टर मुनीर खान जी के पास भी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि आप ये दवाई शुरू करो, आप घबराओ मत, आप ठीक हो जाएंगी करके। तो फिर मैंने एक दो महीना तीन महीना मतलब वैसे थोड़ा दो दिन के बाद में एक एक चम्मच लेना शुरू किया। तो फिर मुझे बहुत फ़र्क लगने लगा। जब भी मैं कुएं जाती तो मुझे इतना फ़र्क, जैसे पहले मैं सफ़र करती थी इतना मेरे फिजिकली रिलेशन, तो कुछ भी नहीं होता है अभी मुझे। और इस दवाई से तो मुझे तो फ़र्क पड़ रहा है आगे भी। मुझे 60% तो हुआ है और इंशाल्लाह पूरी मैं ठीक ठाक हो जाऊंगी, मुझे इतना भरोसा है। और मेरी जो आंटी है उनको और उनके फादर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला इस दवाई से। और मैं तो दुआ करती हूँ मुनीर खान जी को और लंबी उम्र दे और लोगों की इसी तरह मदद करते रहे। मैं फैज़ अहमद हूँ। मेरे डैड हॉस्पिटल में थे 9 months से। उनको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कहा था कि 48 आवर्स की टाइम है, 48 आवर्स में अगर वो रिवाइव्ड हो गए तो ठीक है। 6 महीने तक मम्मी हॉस्पिटल में रहते थे, आते जाते थे, बहुत टेंस हो गए थे। मैं भी बहुत टेंस हो गया था, सब घर वाले मामू नानी दादी सब टेंस हो गए थे। मेरे भाई को भी बुला लिए थे, वो भी बहुत टेंस था। सब लोग दुआएं कर रहे थे पापा के लिए। हमने तो होप ही छोड़ दिए थे कि पापा अभी ठीक हो सकते हैं क्या नहीं। वहाँ पे किसने रिकमेंड किया, मेरे कज़न भाई को और मेरे मामू को। पापा की रिपोर्ट मेरे मामू और मेरे कज़न भाई लेके गए साइंटिस्ट मुनीर खान के पास। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि बॉडी रिवाइव की आप दवाई लीजिए तो आपको फ़र्क आपके डैड में मालूम पड़ेगा। डैड वेंटिलेटर पे थे तो हमने डॉक्टर मुनीर खान के पास से लेके गए दवाई। वहाँ पे हमने एक टीस्पून पिलाया पापा को तो ऐसे ऐसे फ़र्क मालूम होने लग गया। धीरे धीरे वेंटिलेटर उनका स्लो करने लगे। फिर 3 हफ्ते के बाद उनका वेंटिलेटर पे से हटा दिए पापा को और उनको नॉर्मल दवाई और नॉर्मल पापा एयर ब्रीथ करने लग गए। तो फिर हम उनको दवाई देने लग गए डॉक्टर मुनीर खान की, उससे पप्पा रिवाइव होना चालू हो गए। साइंटिस्ट मुनीर खान ने जो ये दवाई डिस्कवर करी है वो हर डिजीज पे काम करती है। पप्पा की तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसमें से पप्पा अच्छे हो गए। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मुनीर खान, आपने जो दवाई ईजाद की है वो बहुत फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। जिनका कुछ होप नहीं रहता है वो दवाई से वो उस डिजीज़ के बाहर आ जाते हैं और उनकी सेहत में फ़र्क नज़र आता है। बीमारी से क्या मतलब है? बीमार ठीक हो जाता है, जब बीमार ठीक हो जाता है तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरे साली को ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम था तो उनको जो है टाटा का इलाज चलने लगा। उसी दौरान जो है मनीर खान का टीवी में ऐड देखा हम लोग। टीवी में ऐड देखने के बाद में फिर मनीर खान से हम लोग संपर्क किए, वहाँ से हम लोग दवा लिए। दवा 3 फाइल लिए, पहला फाइल खाने लगा, फायदा होने लगा। उनको बहुत ज़्यादा ब्लड कैंसर हो गया था, पूरे बॉडी में था। फिर धीरे 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 जो आज आराम हो गया। 8-9 साल पहले हम लोग दवा लिए थे। और हमारे जो हैं एरिए के SDM हैं, उनका भी ससुर का जो है प्रॉब्लम हो गया है तो उन्होंने हमसे कहा, हम बोला कि आप पहले काम करो सर, मनीर खान का दवा आप पी के देखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दवा एक फाइल और आप लेके भेज दो। तो वही मैं आया है फिर दोबारा उनके दवा के लिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं साइन कोलीवाड़े से आया हूँ। मेरा लड़का है 28 साल का। जब वो 1 साल का था तब उसे फिट आई थी, उसमें उसका विजन चला गया था और उसके देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी चली गई थी। आस्ते आस्ते जब वो बड़ा हुआ तो उसको बोलने की पावर तो आ गई लेकिन विजन में थोड़ी कमजोरी थी। को जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग जब बम्बई में आए तो हमें किसी ने कहा कि ये डॉक्टर मुनीर खान साहब हैं, वो आपको सही इलाज दे सकते हैं। तो हम डॉक्टर मुनीर खान साहब के पास आए तो उनके डॉक्टरों ने हमें कहा कि इनको बॉडी रिवाइवल दीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमने मुनीर खान साहब से मिलके उनको एक बोतल दिया बॉडी रिवाइवल का। फर्स्ट बोतल में उनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उसके बाद 2-3 बोतलें लेने के बाद
हमें काफ़ी फर्क अनुभव हो रहा है। सभी हॉस्पिटलों में हम घूम आए, उनका एक ही जवाब था, इसका कुछ इलाज नहीं है क्योंकि इसकी ब्रेन में डैमेज हो गया है। परंतु मुनीर खान साहब की 3 बोतल लेने से ही हमको काफ़ी फ़र्क अनुभव हुआ। ये फ़र्क कम से कम 40% तो है ही है, जिससे अब वो अपने एरिया में कम से कम घूम सकता है अपने आप बिना किसी के हेल्प के, और उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वो अभी खुश भी है। मैं खान साहब जी को अपने मन से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी दवा दी है कि जो 28 साल में काम नहीं हुआ वो 3 महीने में करिश्मा हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि सभी को इनका फ़ायदा मिले और ये सबकी सेवा करते रहें, ऐसे ही सबकी सेवा करते रहें, भगवान करें इनकी लंबी उम्र बहुत लंबी हो। मेरा नाम कंचन लोढ़ा है, मैं भाईंदर में रहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है वो बेंगलोर में रहती है, उसको बीमारी हो गई थी, धीरे धीरे पता चला, हॉस्पिटल लेके गए, पता चला कि उसको मतलब वाल ठीक हो गया है। बहुत इलाज कराया बेंगलोर में कराया, तो लगा कि अभी यहाँ पे अच्छा नहीं रह रहा है, तो उनके छोटे भाई है सूरत में रहते हैं, उन्होंने कहा भैया तुम सब कुछ काम काज छोड़ दो और सूरत चले आओ, यहाँ पे आराम करोगे तो ठीक रहेगा। कंवर साहब मेरे इतने परेशान हो गए, उनको भी मतलब 8-9 साल से पैरालिसिस है, अभी बच्चों को संभालना, छोटी सिस्टर अकेली पड़ गई, अभी कुछ काम होता नहीं है, थोड़ा सा काम करेगी थक जाती है वो, गले में ब्लॉकेज थोड़ा चलेगी तो गला ब्लॉकेज हो जाता है, वापस गर्म पानी करके पीती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर बच्चों को 3 बच्चे रहे उसके, फिर वापस काम करती है। ऐसा करते करते बहुत परेशान हो गई, हर 21 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है हाई डोज का, और फिर वापस वो सूरत गई। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया रात को कि दीदी तू रात को ये टीवी पे देखना साइंटिस्ट मुनीर खान का, तो मैंने रात को फिर देखा प्रोग्राम, इंटरव्यू हो रहे थे, मुझे भी तो ऐसा लगा कि चलो देखते हैं, तो मैंने बोला कि अभी मुझे पता लगाना पड़ेगा, फ़ोन लगाया दो तीन बार तो मुझे फ़ोन पे लाइन नहीं मिली, तो मैं और मेरे मिस्टर दोनों हम लोग पूछते पूछते बूढ़ प्लाजा करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे साइंटिस्ट मुनीर खान के पास। यहाँ पे हम आए, पता लगाया, हमें अच्छा लगा, बोले एक बोतल लेके तो देखते हैं, एक बोतल लेके फिर मैं खुद सूरत उसको जाके देके आई। वो बोली दीदी तू यहाँ और कैसे क्या लेना तो मुझे तू ही बताएगी, तो थोड़ा मुझे जल्दी फ़र्क पड़ेगा, तेरा पर मुझे विश्वास है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सब अपना काम छोड़ के मैं सूरत गई, और उसको कैसा लेना है, कैसा क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, सब मुझे समझा के मेरे हाथ से खुद मैंने पहला डोज उसको दिया। 2-3 डोज लेने के बाद वो बोलती है दीदी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कमजोरी मुझे कम लग रही है, चलती फिरती अभी 3रे माले पे वो रहती है, नीचे ऊपर भी उसको जाना आना रहता है, फिर भी उसका मतलब अभी थकान कम महसूस होती है, पहले थोड़े से भी चलती थी तो थक जाती थी, आती गर्म पानी करती उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के वो गर्म पानी पीती तो उसका थोड़ा उसे रिलीफ मिलता, फिर बच्चों का कुछ खाना भी बना नहीं पाती थी, जैसे तैसे करके वो कभी खिचड़ी कभी कुछ जो बन पाता वो बना के उनको खिलाती थी। मुनीर खान साहब की बॉडी रिवाइवल लेने के बाद उसको अभी बहुत आराम है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मुनीर खान साहब को कि उनको बहुत लंबी उम्र दे और हर पेशेंट अच्छे होते रहें, यही मैं मनोकामना करती हूँ। एक बॉडी के सारे डिपॉजिट निकाल देती है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं, जो श्रिंकेट पार्ट है वो अपनी पोजीशन ले लेगा, एनलार्ज पार्ट अपनी पोजीशन ले लेगा, सारी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी, कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, तो अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। मैं दिल्ली से जैनुल आबिदीन जामा मस्जिद के पास मैं रहता हूँ। मेरे वालिद साहब को रिसेंटली पैरालाइज अटैक हुआ था, जिसके अंदर वो आँखें नहीं खोलते थे, चल नहीं पाते थे, परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे, हम लोग भी परेशान हो गए थे, लेकिन जब हमको पता चला कि मुनीर खान साहब की जो दवा है वो प्रॉपर ढंग से सक्सेस है, कामयाब है, तो उन्होंने मुझको बोला कि आप वहाँ जाइए बॉम्बे, वहाँ से उनके से दवा लेकर आइए। जो मैंने दवा लेकर लेने के लिए आया यहाँ पर, आकर मैंने डॉक्टर साहब से सारी बात की, बात करने के बाद मैं दिल्ली वाले साहब के लिए वो दवा लेकर गया, उसके बाद वो दवा उन्होंने हमने पिलाई, पिलाने के बाद प्रॉपर ढंग से वो आँखें भी खोलने लगे, चलने भी लगे, मूवमेंट अच्छी हो गई, आँखें खोलने लगे, सलाम का जवाब भी देने लगे, अल्लाह का करम है मेरे वालिद साहब बेहतर हैं। मेरे वालिद साहब को देखा देखी, जब मेरे वालिद साहब को अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई, तो मेरे वालिद साहब के जो रिलेटिव मेरे रिश्तेदार जितने भी थे,
तो उन लोगों को भी ये लगा कि 90 प्लस की पेशेंट इम्प्रूव कर गया, या तुम ऐसा करो हमारे नेक्स्ट टाइम जाओ तो हमारे लिए भी तुम दवा लेकर आना। तो ऐसे में यहाँ से 20-25 मेडिसिन लेके गया, जिससे कि और लोगों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जिसको जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, उनकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। मेरे काफ़ी लोगों को एक्जिमा था, एक्जिमा की इम्प्रूवमेंट हुई उनको। मतलब जितने लोगों की मैं दवा लेके गया, सबको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं मुनीर साहब की बहुत इज्जत और कदर करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसा शख्स इस दुनिया में पैदा किया कि जिस जो काम 5-6 लाख का होता था, वो 20-25-30-40 हज़ार रुपये के अंदर वो काम प्रॉपर हुआ है लोगों का, और बहुत फ़ायदा हुआ है। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मरीज़ परेशान हो जाता है, अस्पताल जाता है, जाने के बाद डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन होगा जिसके अंदर 6 लाख का खर्चा है, किसी को 7 लाख का खर्चा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं जो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर मुनीर खान साहब की जो दवा है प्रॉपर ढंग से सस्ती और बढ़िया दवा है, जिससे कि मैंने तो बहुत ज़्यादा महसूस किया कि परफेक्ट तरीके की उनकी दवा है। पता नहीं क्या खुदा की कुदरत है कि उनको ऐसी चीज़ नवाजी अल्लाह ताला ने, जो बीमार है उनको शिफा कुल्लिया तक फरमाए। ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ और ऐसी शख्सियत को इस दुनिया में पैदा किया। डॉक्टर मुनीर खान साइंटिस्ट जो हैं सब लाजवाब और बहुत उमदा दवा है उनकी। अदर से मेरा नाम सफवान है और मैं वडाला से आया हूँ। 2 साल पहले मेरे डैड को पता चला कि उनको ITP नाम की डिज़ीज़ है और उसका कोई ठीक से इलाज नहीं था। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कई दवाइयाँ दी और वो दवाई लेते रहे पर कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। कई दवाई खाए पर रिपोर्ट्स तो बराबर नहीं आई। और फिर हमें TV पे देखा साइंटिस्ट मुनीर खान के बारे में, तो मेरे डैड ने सोचा उनको भी एक बार दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट मुनीर खान के बारे में पता चलने के बाद मेरे डैड फौरन उनके पास चले गए और उनकी पूरी डॉक्टर टीम ने हमें बताया कि बॉडी रिवाइवल लीजिए, उससे आराम मिलेगा। तो हम मेरे डैड ने वो दवाई ले ली और पीनी चालू की। पहले ही डोज पी के उन्हें बहुत आराम आने लग गया। उन्होंने फिर अपने ब्लड टेस्ट भी लिए, उनकी रिपोर्ट्स में काफ़ी सुधार आया। और बस जैसे जैसे दवाई लेते गए उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आने लगी और एलोपैथिक दवाई से काफ़ी मोटे भी हो गए थे। पर अभी ये बॉडी रिवाइवल लेकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, उनके तकलीफ दूर हो गई है, कमज़ोरी नहीं होती है, बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं। और जब से दवाई मिली है उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि उन्हें हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती मिले। मैं दुआ करता हूँ कि खान साहब की दवाई से लाखों लोगों के इलाज हो और उन्हें आराम मिले। बस एक बार उन्हें अपने बीमारी के बारे में बता दीजिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह खान साहब लाखों लोगों की मदद करें। आमीन। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम तौफीक शेख है, मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कुलवाड़ी में रहता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और डॉक्टर साहब का नाम बहुत साल पहले से सुना था। एक 8-9 पेशेंट मैं अभी तक लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। जितने भी पेशेंट लाया ऊपर वाले की दया से, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से सब ठीक हो गए। और किसी को बोन कैंसर था, किसी को जो लेडीज़ का थैली का कैंसर रहता वो था, किडनी का था और रीढ़ की हड्डी का था। तो उन लोग का जितना भी था तो सब तो अभी तक तो ठीक है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था टीवी पर, तो मैंने एक पेशेंट को ऐसे ही लेके आया था, तो उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया। 5 महीना उनका कुछ बॉटल लिया हमने, उसके बाद तो वो एक वार्षिक डॉक्टर है हमारे, उन्होंने कुछ 2-3 महीने का उनको बताए थे वो रह सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से बॉटल लेने के बाद उनका ऊपर वाले ने इतना हयाती बढ़ाया कि 5-6 साल तक उनका हयाती रहा, फिर वो उम्र के हिसाब में उनका ये हो गया, बस और कुछ नहीं। जहाँ पे 2 महीना पेशेंट रह सकता था, डॉक्टर साहब की वजह से 5-6 साल रह चुका मतलब। और अभी जो भी है तो वो भी ठीक है, अभी जो पेशेंट है वो लोग भी चल फिर रहे, सब एकदम फर्स्ट क्लास है जी। सर
अभी तक तो वो है करके बाकी लोग हम जो मैं पेशेंट लेके आता हूँ लोग है, पर अभी उनके बाद कुछ ऐसा करे वो कि उनके बाद भी ये सिलसिला चालू रहे, बस ये भगवान से दुआ है और कुछ नहीं। संजीव मोहन गुप्ता, 3 साल पहले मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरी दोनों किडनी ख़राब हो गई, मुझे दवाई का रिएक्शन हो गया, उससे पेन किलर खाने से मेरी किडनी ख़राब हो गई। 3 साल पहले मेरे बड़े भाई वो डॉक्टर मुनीर खान साहब के पास गए और उस वक्त हम डॉक्टर मुनीर खान साहब की दवा नहीं ले पाए और 1.5 साल मैंने डायलिसिस कराई और डायलिसिस कराने के बाद मैंने सर्जरी कराई। फिर मेरे बहुत करीबी मित्र आदित्य पंचोली जी ने से मेरी 3 साल बाद मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि संजीव आपको डॉक्टर मुनीर खान से मिलना चाहिए, और मैं उनके साथ डॉक्टर मुनीर खान के पास मिलने गया। मैंने अभी तक उनकी दवाई की 6 चम्मचें खाई और मुझे जितना मेरे बोन्स में पेन हुआ करता था उसमें मुझे 80% आराम आ गया। मैं मीडिया जगत से जुड़ा हूँ, दैनिक जागरण समाचार पत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे परिवार का वो पत्र है। ऐसे मिरेकल मैन के लिए हमारे देश में एक विशेष स्थान होना चाहिए और जितने भी किडनी से पीड़ित परिवार हैं, मैं परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक रोगी होता है उसकी दशा इतनी ख़राब हो जाती है कि उसका पूरा परिवार अपना सारा काम से ध्यान हटा के उस तरफ लग जाता है। मेरा उन सब मरीजों से ये कहना है जो हम आप सब लाखों रुपए डायलिसिस में और सब में ख़राब करते हैं, लगाते हैं केवल इसलिए कि हम जिंदा रहें, एक बार डॉक्टर मुनीर खान के पास आएं, उनकी दवा खा के देखें और देखें किस तरीके के चमत्कार आपके अंदर होते हैं। गॉड गिफ्ट, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट तो ठीक हो जाता है ना, और दिस इज माई प्राउड प्रोजेक्ट, मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने जो गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। किडनी में तकलीफ थी तो पहले हाँफा वाफा बहुत आता था, कमजोरी भी रहती थी, तो अभी 2 बोतल में लिया, 3 बोतल लेके जा रहा हूँ, पेशाब के रास्ते से कचरा भी निकल रहा है और अभी मतलब ठीक है, तबीयत मालूम अच्छी पड़ रही है, इसके लिए दवा ले रहा हूँ। मेरा नाम शेख जैनुद्दीन है, मैं मुमरा में रहता हूँ और मेरी मम्मी शेख जायदा खातून जो एक कैंसर पेशेंट है, इनिशियली उनको जो था एक पेट में दर्द हुआ करता था, तो हम लोग ने सिटी स्कैन निकाला, सिटी स्कैन में वहाँ पे आया कि स्मॉल नॉड्स है उनके जो लीवर है उनके अंदर, स्मॉल नॉड्स है, तो वो नॉड्स को डॉक्टर ने बताया कि ये टीबी का हो सकता है, वहाँ पे लिखा है कि इट मे बी अ ट्यूबरक्लोसिस, तो हम लोग ने टीबी का इलाज स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली 9 मंथ तक का हम लोग ने ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करवाया, 9 मंथ कम्प्लीट होते ही पता चला कि उनको अचानक जॉन्डिस हो गया, तो हम लोग हैरान हो गए कि अभी एक बीमारी थी वो ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी बीमारी आ गई। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे डॉक्टर ने पूरा चेकअप, बॉडी चेकअप किया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, सब किया, तो पता चला कि वहाँ पे लीवर के पास जो लीवर से जो वॉल जाती है उसका जो सेंटर होता है वहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो गया, तो उन्होंने उसका टेस्ट किया तो पता चला कि जो ब्लॉकेज हुआ है वो कैंसर का ब्लॉकेज है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या करें कैंसर का, क्योंकि हम लोग अनएक्सपेक्टेड था, तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि जो टीबी का तुम लोग सोच रहे थे वो टीबी नहीं था, वो कैंसर की गांठ थी, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो फैमिली होती है उसको ये लगता है कि नॉर्मल है, डॉक्टर जो बताएगा हम लोग वही मानेंगे, डॉक्टर ने बोला कि ये टीबी की गांठ है तो हम लोग टीबी के इलाज कराए, वहाँ पर टीबी नहीं था वो कैंसर था, जिसकी वजह से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, तो डॉक्टर ने ये बोला कि लास्ट स्टेज पे है, इनको आप कुछ मत करो, आप सीधा इनको अपने घर पे लेके जाओ और इनको आराम करने दो। अभी ये डॉक्टर की लापरवाही है कि मम्मी को जो था
टीबी नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया रिपोर्ट में कि ये टीबी है, जिसकी वजह से उनका ये समझ में आता है कि एक डॉक्टर जो है बराबर से रिपोर्ट भी नहीं बना सकता है, रिपोर्ट भी वो बराबर उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी बराबर नहीं होती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज मेरी मम्मी को 9 मंथ पहले जो डिटेक्ट हो सकता था कैंसर, वो आज जाके पता चल रहा है इतना तकलीफों के बाद, जो डॉक्टर बोलता है कि आज वो बढ़ चुका है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन डॉक्टरों को मरीजों को मारने का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि ये सही बीमारी डिटेक्ट नहीं कर पाते, परेशान पूरी फैमिली होती है, और ये नहीं समझते कि एक आम इंसान जब जॉब छोड़ के अपने घर के कोई मरीज़ के पीछे दौड़ता है तो उसकी क्या हालत होती है, उसको कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। मेरे एक दोस्त जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उनके रिलेटिव ने एक्चुअली साइंटिस्ट मुनीर खान के यहाँ से दवा ली, जिनको डॉक्टर ने सेम प्रॉब्लम बताया था और कहा था कि इनका कोई इलाज नहीं है, और सिमिलरली जब उन्होंने मुझको ऐसा बताया तो मैं भी थोड़ा मेरे अंदर भी एक उम्मीद जागी कि नहीं मुझको भी डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान के यहाँ पे जाना चाहिए और एक बार कोशिश करना चाहिए, देखना चाहिए। जब मैं साइंटिस्ट मुनीर खान के पास आया तो उनके डॉक्टर की जो एक टीम थी उन्होंने मेरी मम्मी की रिपोर्ट देखने के बाद मुझे सजेस्ट किया कि आप ज़रूर यहाँ से बॉडी रिवाइवल लेके जाइए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर शिफा होगी। जब से मैंने बॉडी रिवाइवल दवा मम्मी के लिए ली है तब से मैंने उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया हुआ है। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है तकरीबन 65-70% मेरी मम्मी जो है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम लोग दवा आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो 100% ठीक हो जाएगी। मेरी फैमिली का हर मेम्बर उनको दुआ देता है। भाई उजाला आएगा तो अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। दवाई से बीमार ठीक होता है, बीमारियों से मेरे को कोई लेन देन नहीं है। जब बीमार ठीक होगा तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। शुगर था मेरे को 10 साल पहले, मैं देखा था टीवी में, मैं खतर में रहता हूँ, खतर से मैं देखा था, खतर में एक चैनल में दिखा रहे थे तो वहाँ से मैं कॉल किया तो मिलने को बोले, मैं छुट्टी में आके मिल के दवा लेके गया। मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे और 2-3 पेशेंट हैं उन लोग के लिए भी मैं 2 बार दवा लेके गया हूँ, हार्ट का सर्जरी हो गया था तो कुछ प्रॉब्लम बढ़ गया था, तो आके मैं दवा लेके गया तो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फिर इम्प्रूवमेंट होने के है। और दोबारा फिर मैं आया हूँ दवा लेने के लिए, और 2 पेशेंट फिर मेरे को भेजे हैं दवा लेने के लिए। ये तो चमत्कार की बात नहीं है, ये तो उनकी मेहनत के ऊपर चलता ना, उनका जो मेहनत है, जो दवा जो बनाए हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी दवा नहीं है कि जो हर चीज़ के लिए दवा है, तो इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी दवा है, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। ये जो बोलने वाले बोलते हैं क्या मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे लिए सैटिस्फेक्शन है, मेरे को बहुत अच्छा है, और मेरे साथ में दूसरे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि कैंसर वाला है, मैं आँखों से देखा हूँ कैंसर वालों अच्छे होते हुए देखा हूँ, यही जगह पर मैं एक आदमी आए थे राजस्थान से, उनको उनका बीवी को डॉक्टर ने बोल दिया था कि लास्ट स्टेज है, कभी भी उनको ठीक नहीं होता बोले, तो वो आके दवा लेके गए, माशाल्लाह दोबारा मैं मिला था उनको तो वो बोले बहुत अच्छा है दवा, मेरा बीवी बहुत ठीक हो गया, चलने फिरने का लायक का हो गया, बिस्तर पे का हो। हम सब के लिए एक दुआ करेंगे, सब लोग दुआ करें कि और उनको तंदुरुस्ती दें, सेहतमंद दें, और लोगों का भला करें, और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करें, और जितने भी लोग हैं जो भी सारे वर्ल्ड में है, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर से बहुत अच्छा इधर इलाज हो रहा है। यानी कि बहुत ये नहीं है कि यहाँ पे धोखाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, दूसरे लोग बताते हैं चैनलों में कि ये है वो है, लेकिन मेरे लिए तो भगवान से भरती है शायद। नेचर हमारे लिए वरदान है, नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं साइंटिस्ट मुनीर खान, एक्सीलेंसी प्रीमाइसिस नंबर 4, SP पटेल नगर, महाडा लेआउट, अपोजिट वर्सोवा MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।